हैदराबाद सिटी में ये बकरीद अरेंजमेंट्स रिव्यू करने के लिए पूरा डिपार्टमेंट्स के साथ ही साथ इसमें पूरा स्टेक होल्डर्स का मीटिंग हुआ है। हमारे लिए ये खुशी की बात है, ये बकरीद फेस्टिवल पूरा शहर पे अमन और शांति से मनाने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से पूरा सिक्योरिटी और बंदोबस्त अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ ही साथ पूरा डिपार्टमेंट्स GHMC, वाटर वर्क्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन, माइनॉरिटीज, फाइनेंस कॉरपोरेशन, R&B डिपार्टमेंट, ये सभी डिपार्टमेंट इसमें शामिल होके ये फेस्टिवल ये सक्सेसफुली पीसफुली मनाने के लिए जो भी अरेंजमेंट्स करना है हम एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से हम आगे चल रहे हैं। हर एक डिपार्टमेंट ये फेस्टिवल के लिए टीम्स बनाए हैं, ये पूरा टीम्स ग्राउंड पे हर डिपार्टमेंट का आदमी इसमें शामिल होके जो भी एक्शन प्लान बनाए हैं वो एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे आ रहे हैं और पूरा रिसोर्सेज भी मोबिलाइज किया है। ये हैदराबाद सिटी में ये बकरीद फेस्टिवल बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, पूरा सभी पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट रहते हैं इसमें, ये कम्युनिटी के पार्टनरशिप से हम ये अरेंजमेंट कर रहे हैं। अमन और शांति रखने में पब्लिक का मदद, पब्लिक का सपोर्ट रहे तो हैदराबाद सिटी में कभी भी कोई गड़बड़ नहीं होगा। इसलिए आज ये कम्युनिटी का मीटिंग हुआ, ये सभी का इन्वॉल्वमेंट से हम आगे लेके जा रहे हैं। ये साल पे गणेश और बकरीद एक ही बार आ रहे हैं, इसलिए अमन और शांति रखने के लिए हम सभी को बताए हैं ये कैटल ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी आदमी या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इंडिविजुअल हो, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना, कोई ऐसे करे तो उसके खिलाफ बहुत सीवियर एक्शन एज पर ला रहेगा और कोई भी कैटल ट्रांसपोर्टेशन का व्हीकल्स को स्टॉप करे तो केसेस का रजिस्ट्रेशन, अरेस्ट और कानून की तरफ से पूरी कार्रवाई होगा। एट द सेम टाइम हमारे लिए ये काउ प्रोटेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, काउ स्लॉटर ये प्रिवेंशन है, वो एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करना पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम पूरा मुसलमान को हम ये अपील किया है ये काउस को इधर लेके नहीं आना, इस टाइम पे कोई भी ये काउस को इधर स्लॉटर करने का एक मौका नहीं देना है। ये हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। आज ये जो इधर मौलानाज आए हैं, ये पूरा मौलानाज हमारे साथ हैं, ये कम्युनिटी का सपोर्ट हमारे साथ हैं और ये हैदराबाद सिटी में बकरीद एक बड़ा जोश से ये फेस्टिवल ये त्यौहार मनाने के लिए हम मिलजुल कर काम कर रहे हैं। हैदराबाद सिटी में लगभग 600 सेल पॉइंट्स हैं, कैटल ये शीप सेल पॉइंट्स हैं, ये पूरा सेल पॉइंट्स के टाइम पे उनकी सहूलत के लिए, उनकी कन्वीनियंस के लिए उधर लाइटिंग, बैरिकेडिंग और ड्रिंकिंग वाटर अरेंजमेंट्स हम पूरा करेंगे, लेकिन ये जब सेल पॉइंट्स चलते हैं उस टाइम पे उधर ट्रैफिक जाम ना होने के लिए हम पूरा प्रिकॉशंस ले लेंगे। पूरा स्टेक होल्डर्स को भी हमारे अपील ये हैं कि जहाँ भी ये सेल पॉइंट्स हैं और दूसरों लोगों को ये कोई भी इनकन्वीनियंस ना रहना, जनरल पब्लिक के लिए इनकन्वीनियंस नहीं रहना, और ज़रूरत पड़े तो हम ज़रूर ये नज़दीक में सेल पॉइंट्स के नज़दीक में कोई ग्राउंड्स है तो
और ग्राउंड्स में भी हम परमिशन लेके उधर रखवाएंगे सो दैट ये ट्रैफिक का कोई इनकन्वीनियंस ना रहेगा। और बकरीद के टाइम पे उस दिन पर ये पूरा सैनिटेशन रखने के लिए पब्लिक हेल्थ के इंटरेस्ट में सैनिटेशन के लिए ये पूरा कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट हम करेंगे और बैग्स भी जीएचएमसी के साथ और कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी ये बैग्स रहेगा, ये कम्युनिटी में हम बांट देंगे। और जो भी ये एनिमल वेस्ट हैं ये बैग्स में पैक करके रखे तो ये डिस्पोजल अच्छी तरह जल्दी कर सकते हैं और पूरा एरिया क्लीन और सेफ रख सकते हैं। ये हमारे फैमिलीज़ का, फैमिली मेंबर्स का सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमारे नज़दीक में ये पूरा एनवायरनमेंट में जहाँ भी ये एनिमल वेस्ट को ऐसे थ्रो नहीं करना, ये बैग्स में रख के और नज़दीक के पॉइंट में ये डिस्पोजल के पॉइंट में नज़दीक में रखे तो ये जीएचएमसी का जो गाड़ी आते हैं, एक्स्ट्रा गाड़ी लगाए हैं इसमें, वो तुरंत लेके जाने के लिए एक सहूलत रहता। फाइनली हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से ये दोनों फेस्टिवल्स में लगभग 20,000 पुलिस ऑफिसर्स ये इसका बंदोबस्त में डिप्लॉय हो रहा है और पूरा सिटी पे हर एक एरिया में ये जहाँ भी ये जुलूस जाने का है ये सीसीटीवी कैमरास हम लग रहे हैं। पूरा सिटी में जहाँ भी ये एक्टिविटी चल रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए हम टेक्नोलॉजी से ये अरेंजमेंट करके कोई भी इवन छोटा मोटा गड़बड़ करने के लिए ट्राई किए तो तुरंत उसको हम पकड़ने के लिए ये अरेंजमेंट है। आई एम श्योर ये पूरा दोनों फेस्टिवल्स अमन और शांति से एक बढ़िया एटमॉस्फेयर में सभी कम्युनिटीज़ इसमें शामिल होके मनाएंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से ये अपील है कि कम्युनिटी में कोई भी कोई रूमर्स को बिलीव नहीं करना, ये एस्पेशली ये सोशल मीडिया में इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स ऐसे मैसेजेस भेजते हैं कि वो कम्युनिटी में कुछ ये रूमर्स मांगने के लिए वो पैदा करते हैं। हमारे अपील है ये है कि कोई भी ये ऐसे रूमर्स को बिलीव ना करना। हैदराबाद सिटी में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है और ये दोनों फेस्टिवल भी एक अच्छा वातावरण में आगे लेके चलेंगे। ये रूमर्स फैलाने के लिए कोशिश करते हैं, हम टेक्नोलॉजी के मदद से उनको डिटेक्ट कर सकते हैं और उसमें उनको कानून की जैसे उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और हमारे ये वार्निंग है कि कोई भी आदमी ऐसे नहीं करना, करे तो सीवियर एक्शन रहेंगे उनके खिलाफ़।